जिस दिन जाट अपनी पे आ गया सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, नजर नहीं आएगा। इनके बुलडोजर तलवार चलाई है राजपूतों ने, तलवार चलाई नहीं उन्होंने, चलाए उन्होंने। इतिहास अय्यासी का इतिहास है, इन्होंने शुरुआत की है। इन्हीं सोकाड राजपूतों ने अपनी बहन बेटी देश बचाया है सर मुगलों से। अरे कहां, देश हजारों साल गुलाम रहा है भाई, क्या बात कर रहे हैं उनके जी, ये हजारों साल गुलाम रहा है। राजा महाराजा रहे, महल है उनके नाम पे, मनसबदार रहे हैं। इन्होंने राजगद्दियां हासिल की हैं, मुगलों के गुलाम रहे। ये इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाते हैं लेकिन बेटी बचाने नहीं आ रहे हैं, उसकी औकात है दो कौड़ी का, वो किसी मुकाबला करे ना। मैंने तो उसको चैलेंज किया है, मोहन भागवत सारी कहानी बनी हुई, मैं चैलेंज करता हूँ मोहन भागवत को, मैं चैलेंज करता हूँ। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे रहे, बात करें मुझसे, बयान नहीं दिया इस मैटर में, ये बयान क्यों देंगे वो? ये तो शूद्र है बेचारे, जाट तो शूद्र है। अब एहसास हो रहा है आस्ता आस्ता, तो खाप पंचायत अपनी ताकत दिखा पाएंगे यहाँ पर? देखिए खाप पंचायत अगर इनिशियल लेती है तो मुझे उम्मीद है कि पूरा देश खाप पंचायत के साथ खड़ा हो जाएगा इन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। ये जो बेटियाँ हैं हिंदू की बेटियाँ हैं, जो आरोपी है ब्रजभूषण सिंह वो भी हिंदू है, और जो सरकार भी हिंदुओं की चल रही है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? देखिए मनुस्मृति कहती है छत्री ब्राह्मण की नहीं करेगा, छत्रियों की, बाकी छत्री वैश्य शूद्र तीनों वर्ण की स्त्रियों के साथ संभोग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वैश्य और शूद्र के साथ कर सकता है, शूद्र शूद्र के साथ। तो इनका जो सोकाड अधर्म शास्त्र है वो उन्हें इस बात की इजाजत देते हैं। और मनुस्मृति नहीं है, संविधान चल रहा है देश में, लोकतंत्र है। अरे वो जो संविधान जो देश को चलाने वाले तो मनुवादी हैं वो, तो वो तो आप संविधान कहाँ चल रहा है, संविधान तो पहले दिन से ही नहीं चल रहा। जिस दिन से जवाहरलाल नेहरू के हाथ में संविधान हाथ में गया तो निश्चित तौर से संविधान मतलब नहीं चला, संविधान के हिसाब से कहाँ चल रहा है। नहीं, कितने मुसलमानों पर कितने राइट्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, कहाँ किसी कान पर जूं लग रही है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन ये कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग हैं कि ये 10 साल पुराना मामला है, ये अब लेकर के आए इस पुराने इतने दिनों के बाद मामले को लड़कियाँ। 10 साल पुराना मामला है, मामला तो है, कोई भी मामला है उनकी इज्जत से काट, वो लड़कियां मामूली लड़कियां नहीं है, पूरे देश की राष्ट्र की शान थी, राष्ट्र के लिए देश के लिए मेडल जीत के लाई, दुनिया में नाम किया, तो वो मामूली लड़कियां नहीं। वैसे कहने की है कि परिवार का मामला है ये, एक परिवार का, अगर एक परिवार के साथ बदमाशी हुई है तो परिवार तो उठ के आएगा, परिवार का नहीं है, पूरे देश का मामला है। भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत के खिलाड़ी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं अहमदाबाद, हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर, यहाँ पर पिछले 20 दिन से महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो आरोपी हैं ब्रजभूषण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं गोंडा से, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो हरियाणा की खाप हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप हैं, वहाँ रोजाना आ रही हैं कि करके और दबाव बना रही हैं पुलिस पर, लेकिन सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भाई तेज सिंह जी। भाई तेज सिंह जी जो अंबेडकर समाज पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं। सर, क्या लग रहा है इसका भविष्य आंदोलन का? इस आंदोलन का भविष्य तो पहले दिन ही मालूम पड़ गया था। ये लड़कियां 18 जनवरी को यहाँ धरने पे आई थी और 18 जनवरी पे सरकार के इशारे पे मीडिया ने बागेश्वर बाबा, एक दो कौड़ी का जो बाबा बना हुआ था छोटा सा लौंडा, उसका मामला उछाल दिया और पूरे महीनों चलाया उसका, बागेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा, इनकी बात दब गई। ये फिर आई, जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर आई, फिर धरने पर बैठी, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनकी आवाज़ का संज्ञान लेकर FIR दर्ज करवाई है, तो मुझे लगता है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर उस गुंडे को गिरफ्तार कर और सुप्रीम कोर्ट के ही निगरानी में जांच होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर की बात की वो क्यों बोलेगा, ये यशस्वी पैदा हो गया और भी तमाम भगवान पैदा हो रहे हैं, वो अब वो भगवान जो पैदा हो रहे हैं क्रिकेट के, वो SCBC और मुसलमानों में पैदा हो रहे हैं, पहले तो वो ब्राह्मण था, आपको कह दिया भगवान है, भगवान में फ्लॉप हुआ लास्ट में जाके। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पोक्सो एक्ट लगा है, यौन शोषण का आरोप है, तो पुलिस अपना काम करेगी? आप इतना हंगामा उतार रहे हैं यहाँ पर आकर के भी से, पुलिस को काम करने दीजिए आप। पुलिस कहाँ काम कर रही है? देखिए पॉक्सो जो एक्ट लगा है संगीन मामला है, नाबालिग का बलात्कार का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से FIR दर्ज हुई है, तो उसके तुरंत बाद इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। तो सर माननीय है, कुछ कायदे कानून होते हैं अरेस्टिंग के, उनके भी कोई माननीय नहीं है, ये कानून के सांसद है सर वो, कानून 6 बार का हो 1000 बार का हो, ये अतीक भी तो मतलब 6 बार का MLA था, सांसद था, उसको कैसे मार दिया इन्होंने, कैसे मार दिया उसको, वो भी तो सांसद था, वो थे भू माफिया। अरे भू माफिया, ये तो माफियों का बाप है ये। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि यदि मोदी जी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे अध्यक्ष पद से। अरे मोदी जी क्यों कहेंगे, तुझे अगर जरा भी गैरत है, आरोप लगाया है तो इस्तीफा दे उसको,
आरोप के तुरंत बाद अपने वो निष्पक्ष साबित। अरे देखिए वो क्या लाल बहादुर शास्त्री थे, ये दूसरे लोग थे जो एक आवाज में जरा सी कहीं किसी ने उंगली उठा दी, इस्तीफा तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया। जैसे एक गैरतमंद होता तो इज्जत बेज्जत की बात नहीं करता, इन बेटियों की इज्जत नहीं उठता, और वो क्रिमिनल है और निश्चित तौर से मोदी के कहने से देगा, इसका मतलब मोदी के कहने से बलात्कार किया। मोदी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ। अनपढ़ जाहिल आदमी देश का दुर्भाग्य ईवीएम की वजह से आया है। ये देखिए ये जो आंदोलन है और तमाम जो आंदोलन है तमाम मुद्दे हैं सब मुद्दे एक होके अगर ईवीएम को लेके अगर मामला हो जाए। लेकिन मोदी जी कहते हैं मेरे साथ मेरे ऊपर 140 करोड़ लोगों का कवच है, पूरा देश ही मेरा परिवार है। अरे वो तो 600 करोड़ का बात करता है। मोदी का मैंने बयान सुना है, वो कह रहा है 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया है कि भाई आबादी 140 करोड़ है जिसमें बच्चे भी शामिल है नाबालिग भी शामिल है, तो 600 करोड़ ने कहाँ से वोट दे दिया जो कह रहा है कि मुझे 600 करोड़ लोगों का वोट 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है जबकि कुल आबादी 135 40 करोड़ है उसमें आधी से ज्यादा आबादी नाबालिग बच्चे और ये सारे समाज। जाति की लड़ाई बन गई है जाट वर्सेस राजपूत। ये देखिए जब ये यहाँ ये सवर्ण हिंदू पटना होता है चवन हिंदू पढ़ना शुरू होता है तो ये जाति पे जाते हैं। जाति ये बताओ ये बेटी चाहे जाट की हो चाहे जाटव की हो चाहे किसी ठाकुर की हो चाहे बनिया की हो क्या अहिर की हो गुजर की हो, बेटी तो बेटी होती है भाई। ये इतना व्यभिचार नहीं होना चाहिए, वो भी जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो बदमाशी करें, ये तो बेटी का सवाल है। तेज सिंह जी आपको खुद पता है कि हमारे देश में जो बेटी की इज्जत होती है ना वो जात के आधार पर होती है। जो हाथस की बेटी के लिए कितने लोग आ गया है, लखीमपुर की बेटी के लिए कितना आ गया है, मिर्चपुर की बेटी के लिए कितने लोग आ गया है, दुलिना कांड में जो कितने लोग आए हैं, और जो यहाँ पे मामला हुआ था गोहाना में उसकी बेटी के लिए कितने लोग आ गए। जाति तो जाति सच्चाई है इस देश में, जिस देश में जाति पूछ कर पानी पिया जाता हो जाति पूछ कर पानी पिलाया जाता हो जाति से नहीं है, जाति के जंजाल में तो फंसाया हुआ है इसकी 80% आबादी। बेटे को बचाने के ये लोग ले आते हैं कि खाप वाले ये खाप वाले आए ना आए हैं, इनमें भी अच्छे लोग हैं, इनमें भी जो समझदार लोग हैं वो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इससे ये जन आंदोलन का मोनू मानेसर के पक्ष में आ गए थे लोग जुनैदुल नासिर की जो मोबिलाइजिंग की गई थी। देखिए मोनू मनेसर यादव पंचायतों ने वो करी थी पंचायत हत्यारोपियों के पक्ष में। मोनू मनेसर जाट नहीं था, यादव था, वो मनीष यादव करके उसका नाम था, जाट नहीं था। लेकिन हत्यारोपियों के साथ तो आ गए थे नहीं आ गए तो इनकी गलती थी, लोगों ने थूका इनके मुंह पे। ये बहादुर कौम होती तो ये देश हजार मान सिंह देश हजारों साल गुलाम नहीं होता। ये अगर ये बहादुर काम होती सोकाल ठाकुर राजपूत ये बहादुर होते नहीं कर रही है अयासी का इतिहास है, ये देश हजार कौन है सर वो तो अरे ये अयास रहे हैं और हजार भी जो है हजारों साल देश गुलाम नहीं रहता। इनके हरम में कितनी होती हैं ये तो इज्जत लूट के भाई। यहाँ हिंदू तो कोई है ही नहीं, कौन कहता है, 1966 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है यहाँ पे, उसी से ना हिंदू नहीं है, कहीं से ना हिंदू नहीं है। अरे कहीं वो कोई कहता है किसी से पूछो क्या हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान कहता है कि मैं मुसलमान हूँ हिंदू यहाँ हिंदू नहीं है। अरे हिंदू नाम लिखने से हिंदू थोड़ी हो जाएगा, हिंदू कहाँ है, बेटी बचाते हैं ना। किसी धार्मिक ग्रंथ में अगर हिंदू लिखाओ तो मुझे बताओ, आज तक किसी गीता रामायण महाभारत वेद पुराण में अगर लगा जाते हैं हिंदू होने पे गर्व है। अरे हिंदू तो है ही नहीं, ये विदेशी लोग हैं, ये देश में जबरन कब्जा करके यहाँ की बहन बेटियों के साथ में ऐसी तैसी कर रहे हैं। राजपूती महापंचायत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 84 की पंचायत हुई, उन्होंने कहा कि टिकैत के पास जितने ट्रैक्टर हैं जितने लोग हैं किसान हैं उससे ज्यादा ट्रैक्टर और किसान हमारे पास है, हमारे पास बुलडोजर है जेसीबी है। उनकी ऐसी तैसी चार निकल के नहीं आएंगे। जिस दिन जाट अपनी पे आ गया ना कि ब्रजभूषण सरनिक तो माफियाओं का बाप है वहाँ उधर ठकुराई चलती है, वो पहलवान है भाई। अरे पहलवान हो कुछ भी हो, पहलवान हो तो नाजायज करेगा क्या है? वो कुश्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कुश्ती को आगे नहीं बढ़ा रहा, कुश्ती का सारा बेड़ा गर्क कर रहा है। अब हरियाणा से जो पहलवान पैदा हुए हैं 99% पहलवान हरियाणा से पैदा हुए हैं, हरियाणा से कौन हिम्मत करेगा, कौन लड़की हिम्मत करेगी अगर ब्रजभूषण जैसे कुश्ती संघ के अध्यक्ष होंगे तो। लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो महिला खिलाड़ी हैं ये हरियाणा के जो कुश्ती खिलाड़ी हैं ये दूसरे हिस्से के जो खिलाड़ी होते हैं उनको उभरने नहीं देते हैं खेलों में, खिलाड़ियों में कोई नहीं है जिसमें प्रतिभा होती है, जिसमें देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ठाकुर ब्राह्मण बनिया तो यहाँ खिलाड़ी के हरियाणा में मिलेंगे, पूरा देश इतना बड़ा है तो रोका किसी ने, नरसिंह यादव को रोक देते उन्होंने। अरे भाई रोका किसी को नहीं रोका था, सबको खुली छूट थी। ये देखिए जब क्रिकेट में वो सूर्य कुमार यादव है वो उसने बीच में इन्होंने डाउन करने की कोशिश की लेकिन फिर उभर के आया,
फिर आ गया यशस्वी जायसवाल आ गया, वो भी ओबीसी का है। ये लोग आप निकल के आ रहे हैं ना, ये निकल के आ रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण ने कह दिया है सर कि यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो। देखिए उसमें ये अमित शाह का संरक्षण है, योगी का संरक्षण है और इसका मोदी का संरक्षण है। जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का हाथ हो, इसके ऊपर होम मिनिस्टर का हाथ हो, केंद्रीय गृह मंत्री का हाथ हो, इसके ऊपर इसका जो योगी का हाथ हो, यूपी के मुख्यमंत्री का हाथ हो, तो उसे कौन हाथ लगाएगा।